नमस्कार दोस्तों, एक अंतराल के बाद आपके साथ रूबरू होने का मौका मिला और मैं चाहता हूँ कि एक विशेष पॉइंट के ऊपर जो बात करने के लिए मैं आया वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। जब से मुझे थॉमस यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तब से मुझे ये लग रहा था कि आध्यात्म विज्ञान, ऑकल्ट साइंस एंड क्वांटम साइंस, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक घनिष्ठ संपर्क है। और जितना वक्त गया ये चीज़ मेरे सामने और भी प्रभावी ढंग से मेरे मन में ये सुदृढ़ बैठने लगा। ऐसा करते करते एक टाइम आया जब मुझे लगा कि मुझे अभी ये प्रैक्टिकल फील्ड में देखना जरूरी है कि मैं जो थियोरिटिकली जो काम मैंने किया वो कैसा प्रैक्टिकल फील्ड में काम कर रहा है। 2004 टू 2013 ये जो टाइम है, ये समय का अंतर, ये अंतराल में काम करते करते मेरे सामने ये क्लियर हो गया कि ये बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहा है। तो ये पीरियड में मुझे लगा कि दुनिया में अभी सब कुछ पेटेंट होने लगा, कोई मशीन के ऊपर पेटेंट होने लगा, कहीं तो सिस्टम के ऊपर पेटेंट होने लगा, तो ये भी मुझे पेटेंट करना पड़ेगा क्या? लेकिन 2013 से ये काम मैं प्रोफेशनली शुरू कर दिया। लेकिन मेरे सामने सबसे बड़ा दुविधा था कि ये सब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा लोगों का जानकारी नहीं था। डिस्टेंटली कोई बंदा कोई काम कर रहा है और उसका रिजल्ट आ रहा है तो लोग नॉर्मली उनको तंत्र मंत्र, जादू टोना, ये सब चीज़ के साथ ही जोड़ कर देखते थे, जिसके कारण मुझे मेरा काम करने के पद्धति के बारे में, जो पद्धति जो प्रक्रिया होता है उसके बारे में बात करना काफी कठिन महसूस होता था। इसके बाद जब 2022 में जेलिंगर क्लोजर एंड एस्पेक्ट के जरिए एक बहुत बड़ा एक रिकॉग्निशन मिला, नोबेल प्राइज मिला सबको, तो मुझे लगा कि अभी मैं एक बार बात कर सकता हूँ, मुझे पेटेंट मिल सकता है कि नहीं। तो मैं काफ़ी एक्सपर्ट लोगों के साथ, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो एक्सपर्ट लोग हैं सबके साथ संपर्कित करने का कोशिश किया। कुछ लोग मुझे बहुत अच्छे सजेशन दिए हैं, वो लोग बहुत ज्ञानी हैं, ये फील्ड में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं। मुझे पता चला कि ये फील्ड में मुझे आसानी से सिस्टम या तो डिवाइस के ऊपर पेटेंट मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है, नहीं मिलेगा शायद, मैं अप्लाई तो जरूर कर सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद मुझे जितना दुख हुआ उससे ज्यादा आनंद भी हुआ। इसीलिए आनंद हुआ कि मुझे ये चीज समझ में आ गया कि ये ऊपर वाला का शुक्र है, भगवान का कृपा है कि अभी भी कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस के ऊपर पेटेंट होना शुरू नहीं हुआ। अच्छी बात। कुछ चीज़ ऐसा है जिसको आप व्याख्या नहीं कर सकते, कुछ ऐसा चीज़ है जो बहुत लिमिटेड लोगों के अंदर ही वो सीमित या परिसीमित रहता है। इसका कारण अलग है, कोई प्रैक्टिस के जरिए वो चीज़ को अचीव करते हैं और कुछ चीज़ गॉड गिफ्टेड होता है तो उनके सामने उनको मिलता है। पूर्व जन्म का काम बोलिए या प्रोडिजी बोलिए, जो भी है उनको उनके सामने वो आ जाता है। और वो अगर वो फील्ड में परसू करना चाहे, आगे बढ़ना चाहे तो वो बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से काम करते करते मुझे एक चीज लगा कि ये काम कैसे दूसरे लोगों को सिखाया जाए। तो मैं देखा कि काफी लोग सीख रहे हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन में काफी मुश्किल दौर से उन लोगों को गुजरना पड़ रहा है। और कारण बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि सबकॉन्शियस संपूर्ण रूप से जागृत होना और उसको साइंस के साथ रिलेट करके वो दृष्टि से उसको डिटेक्ट करना, ट्रबल शूटिंग करना, सॉल्यूशन फाइंड करने का कोशिश करना एक अलग विषय हो जाता है। उसके लिए बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है। ये इत्तेफाक की बात है कि बहुत लोगों के पास टाइम बहुत ही कम होते हैं, वो बहुत जल्द प्रोफेशन में आ जाते हैं और उनको सीखने का उतना मौका नहीं मिलता।
लेकिन ये ऊपर वाले का कृपा है, मेरा गुरु का आशीर्वाद है कि मुझे बहुत लंबा टाइम मिला प्रैक्टिस करने का। तो डिस्टेंट हीलिंग प्रोसेस तब तक उनको ट्रीटमेंट का दर्जा नहीं मिल सकता जब तक कोई भी गवर्नमेंट उनको रिकॉग्नाइज नहीं करता। और हीलिंग एक अभिन्न अंग है, वो कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी चिकित्सा प्रणाली उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, उनको वो साथ देता है और वो काम को और भी इजी करता है। लेकिन मुझे हमेशा ये लगता है कि फ्रीक्वेंसी के जरिए जो मेडिसिन, अब बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी मेडिसिन जो आइंस्टाइन का सपना था, वो हम लोग प्रॉपरली इंप्लीमेंट तब कर सकते हैं जब निकोला टेस्ला का जो फॉर्मूला है साउंड एंड लाइट फ्रीक्वेंसी, उसके जरिए कोई उसको इंप्लीमेंट करे। मैंने बहुत ढूंढ के देखा कि इसके ऊपर जो सटीक ढंग से जो उसका इंप्लीमेंटेशन करना, अभी तक तो मुझे नजर नहीं आया, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में कोई ना कोई प्रभावी ढंग से करेगा। मैं कर रहा हूं, करता रहूंगा, और अभी मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसके ऊपर एक किताब लिखना है, मैं जो लिखना शुरू कर दिया। जो विशेष कारण था ये बात करने का, ये एक इंट्रोडक्शन था, इसका कारण ये था कि आने वाले टाइम में बहुत सारा ऐसे बीमारी है जहां लोगों को डॉक्टर तक पहुंचना, मेडिकल असिस्टेंस मिलना और जल्दी जल्दी उनका उपचार होना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बहुत सारा चैलेंजेस अभी भी है कोविड के बाद भी। रिसेंटली मुझे डिजीज एक्स या जो भी बोलते हैं वायरस एक्स, ये सब के बारे में काफी पता चला। अभी कौन सा वेरिएंट आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, ये समझना, डिटेक्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वैक्सीन के ऊपर फिल्म भी आ रहा है, कितना वैक्सीन और भी निकालना पड़ेगा ये मुझे पता नहीं है। एवरी डे इट इज अ बिग चैलेंज फॉर द साइंटिस्ट फ्रेटर्निटी। लेकिन मुझे लगता है कि इट इज अ हाई टाइम टू टॉक अबाउट माई हीलिंग स्टाइल एंड माई प्रोसेस ऑफ हीलिंग, ताकि मेरे साथ जो भी जुड़े हुए हैं, मेरे सब्जेक्ट के साथ जो भी अटैच्ड है, उनको इनिशियली कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग उनको एक सपोर्टिव सिस्टम उनको प्रोवाइड कर सके। जो सनातन पद्धति है, जो चक्र शुद्धि के जरिए जो सनातन पद्धति है, जो सिस्टम है, स्टाइल है, उसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग अगर एक पेशेंट के ऊपर काम करें तो उनको डॉक्टर तक पहुंचना, ट्रीटमेंट का प्रोसीजर शुरू होना, उससे पहले टेस्ट होना, तो वो टाइम के अंदर वो केस ज्यादा इंटेंसिफाई ना हो, ये मेरा एक टारगेट है। मुझे लगा ये चीज बोलना, शेयर करना बहुत जरूरी है। मैं इतना दिनों से काम कर रहा हूं, खास करके कोविड के टाइम में मैंने बहुत सारा केसेस का किया, ऊपर वाला का कृपा से, मेरा गुरुजी का आशीर्वाद से केसेस में मुझे सक्सेस मिला। कुछ फ्यू अनफॉर्चुनेट कुछ केस भी हुआ है, ऐसा भी इंसिडेंस है जो केस एकदम लास्ट मोमेंट पे मेरे पास आया जहां मुझे काम करने का वक्त ही नहीं मिला। लेकिन मुझे लगता है कि जागरूकता जरूरी है, और मुझे ये भी देखना जरूरी है कि मैं किस तरह से सबका सेवा कर सकता हूं। मुझे लगा ये बात करना जरूरी है। आप सबका उपकार हो, आप लोग सब अच्छा रहें, खुश रहें, और खुद का प्रोटेक्शन में खुद को रखें। ये मत समझिए कि वी आर कंप्लीटली आउट ऑफ डेंजर। कम से कम मास्क यूज करना और खुद को सैनिटाइज्ड रखना, ये सब एक बहुत एक मिनिमम चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं। मुझे लगा कि आपको ये शायद उपकार में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग विद पेशेंस।